तो हाय गाइस, मैं हूँ एसके सामा और आज हम सॉल्व करें कोर्ट फोर्सेस ग्लोबल राउंड 12 का ये क्वेश्चन ए, अवॉइड ट्राइबल। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक इनपुट के रूप में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। हमें इस स्ट्रिंग में खाली जो ट्राइबल है, TRYGUB, ट्राइगब जो भी ट्राइबल है, ये इसका सब सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो ठीक है, अब सब सीक्वेंस क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि सब सीक्वेंस क्या है। सब सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे मान लो ए बी सी डी ई, तो देखो सब सीक्वेंस क्या होता है कि तुम ये जो स्ट्रिंग है, मान लो ये जो स्ट्रिंग है, इसमें से तुम एक चाहे तो 0 कैरेक्टर डिलीट करो या फिर कितना भी कैरेक्टर डिलीट करके जो तुम्हारा आ रहा है, मतलब जो तुम्हारा नया स्ट्रिंग आएगा वो उसका सब सीक्वेंस करा सकता है। जैसे क्या एग्जाम्पल दो, तो जैसे मान लो बी और डी डिलीट करे, तो ए सी ई, सॉरी ए सी ई, ए सी ई जो है ये इसका सब सीक्वेंस हो गया। सिमिलरली जैसे आपका बी डी ई भी सब सीक्वेंस हो गया, फिर आपका सी डी ई सब सीक्वेंस हो गया। तो इसका कंटिन्यूस हो भी सकता है, कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस हो भी सकता है, कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता है, इसका दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि ये, और एक चीज़ क्या है कि ये नहीं है कि जैसे मान लो ए बी सी डी ई, तो मान लो तुम अगर ऐसे लिख दिए, ठीक है, ई डी सी और बी ए, तो इसमें क्या है कि देखो सारा का सारा कैरेक्टर्स है लेकिन तुम्हारा ये ऑर्डर चेंज हो गया है। सिमिलरली जैसे मान लो कि, तो ये सब सीक्वेंस नहीं चलेगा, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि तुम ऐसे लिख दिए, ठीक है, जैसे डी सी ए लिख दिए, ठीक है, डी सी ए लिख दिए, तो इसमें भी देखो इसमें पीछे से ऑर्डर है, जो कैरेक्टर्स यहाँ प्रेजेंट है वो कैरेक्टर सब इसमें है स्ट्रिंग में, लेकिन ये इसका जो ऑरिजिनल स्ट्रिंग में इसका ऑर्डर है वहाँ से इसका ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। डी सी ए नहीं है, मतलब ये आगे रहना चाहिए, सी उसके बाद रहना चाहिए, डी उसके बाद रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। आप डिलीट करोगे तो जैसे डिलीट करके इसको हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट करके इसको हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बिठा दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए सी ई है तो ए सी ई ही रहना चाहिए, सी ई ए नहीं रहना चाहिए, ई सी ए नहीं रहना चाहिए, ए ई सी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा, तो हमें क्या दिया हो कि हम जो हम स्ट्रिंग ए है उसको हम कैसे भी चेंज कर सकते, ठीक है, कैसे भी चेंज, तो वो आगे पीछे जो वो कुछ भी कर दिए, खाली इसको रीअरेंज कैसे भी रीअरेंज कीजिए, ठीक है। खाली इसका जो यहाँ ट्राइबक जो है TRY क्या जी यू बी, TRY जी यू बी, ये इसका सब सीक्वेंस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टी कहीं, फिर कुछ कुछ कैरेक्टर, फिर कुछ कुछ कैरेक्टर, फिर आर, फिर कुछ कुछ कैरेक्टर, फिर वाई, फिर कुछ कुछ कैरेक्टर जी, फिर कुछ कुछ कैरेक्टर यू, कुछ कुछ कैरेक्टर बी, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये सब तो एक साथ नहीं रहना चाहिए या फिर ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। तो देखो चलो आप इतना समझिए, आपने क्या किया होगा, आपने सोचा होगा कि देखो जैसे ही टी मिले जैसे ही आर मिले, ठीक है, जैसे ही टी मिले आर मिले, आप तो बहुत कुछ सोचा होगा, ठीक है। आपका गलती क्या किया होगा, टी आर को जो है जैसे आप खोजेंगे कि ट्राइबक कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, TRY जी यू बी, जैसे आप यहाँ के टेस्ट केस देखे होंगे तो टेस्ट केस में देखिए आपको बुद्धिमान ने दिया कि ट्राइबक को एक साथ लिख दिया, तो आप ट्राइबक खोजेंगे तो क्या आपने क्या किया, कैसे भी चेंज किया होगा, या हो सकता है जो सिंपल सा कि आर को आगे कर दिया है, टी को इधर कर दिया, ठीक है, तो इसमें तो आ जाना चाहिए। लेकिन तो इसमें तो देखो ये ऐसा हो जाएगा RTYGUB, जिसका तो अब सीक्वेंस गड़बड़ा गया। लेकिन क्या किया होगा इन्होंने, टेस्ट केस कैसा दिया होगा कि एक टी यहाँ कहीं दे दिया होगा, एक आर यहाँ कहीं दे दिया होगा, बीच में कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, ठीक है, तो इसका सब सीक्वेंस यहाँ का डिलीट कर दिए, यहाँ को लेकर यहाँ को डिलीट कर दिया और YGUB, तो ये हमारा सब सीक्वेंस बन गया। तो आपका गलती हो सकता है यहाँ आया, ठीक है। तो और आपने बहुत कुछ ऐसा ही किया होगा कुछ सिमिलर टाइप, लेकिन आपका इसी कारण से गलती आ रहा होगा क्योंकि TRY जो मतलब अलग अलग करके भी दे दिया हो, एक साथ नहीं दिया हो, तो इसमें हो सकता है गलती आ रहा होगा। तो सबसे इसका सिंपल ईजी सोल्यूशन क्या है कि इस स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दो, ठीक है। सॉर्ट करोगे तो क्या सीन होगा कि बी जो है वो आगे चल जाएगा, बी आगे आ गया, वाई लास्ट में आ गया, टी यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, जी यहाँ आ जाएगा। तो देखो क्योंकि ये जब सॉर्ट करोगे तो सारा का सारा बी आगे चल जाएगा, मतलब स्ट्रिंग में जितना भी बी है पहले ए सब आ जाएगा, ठीक है, और फिर जितना भी बी है सब इधर आएगा सॉर्ट करोगे तो। तो देखो बी सब यहाँ आ गया, तो कोई सॉर्ट करने के बाद आपको कोई चांस ही नहीं है कि टी इसके आगे रहे, ठीक है। टी टी जो है वाई जो है बी के तो आगे रह नहीं सकता, ना आर रह सकता, ना जी रह सकता, ना यू रह सकता है, तो लास्ट कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर बन गया, ठीक है। तो सारा का सारा बी यहाँ आ गया, तो इसके बाद कोई बी है ही नहीं, तो कभी आपका सब सीक्वेंस बनेगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर इसका ऐसा चेंज हो चुका है कि कभी आपका वो सब सीक्वेंस निकल ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब क्या सीन हुआ होगा कि बी 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 सब एक साथ आ गया, आर 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 सब एक साथ आ गया, जी 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 सब एक साथ आ गया, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो चुका है, तो सब सीक्वेंस सब बनेगा ही नहीं। मैंने बोला अभी बताया कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर चेंज हो गया तो उसको सब सीक्वेंस नहीं कहता है, ठीक है।
तो यही सॉर्ट कर दो, सिंपल सा काम खत्म। तो यहाँ पे भी देखिए वही अब कर दिए, यहाँ पे देखिए मल्टीपल सॉल्यूशन एक्सेप्टेड, ये एडहॉक प्रॉब्लम है ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन एक्सेप्टेड, ये सिर्फ आपको गधा बनाने के लिए दिया हुआ है। तो ये आप सोचें कि अगर ऐसा कैसे ही लाना है तो आपकी गलती हो सकती है ठीक है। तो यही था, और यहाँ भी देख लीजिए दिया हुआ कि वाई एक्स जो है, एक्स वाई जो है इस सीक्वेंस ऑफ एक्स वाई जेड वाई, यहाँ पे वाई एक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई एक्स जो है उसका ऑर्डर चेंज क्यों। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन, जरूर कीजिएगा। और अगर कोई गीक्स और गीक्स कोई कोर्स करना चाहते हैं, या फिर जैसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का ही कोर्स है, या फिर कोटलियन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डी, फैंग का कोर्स, फिर कुछ डी एस ए कोर्स, कुछ भी खरीदना चाहेंगे तो ये कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, एस के समझ डी एस, मेरा ये अगर इसे यूज़ कीजिएगा तो आपका फ्लैट 10% एकदम ऑफ हो जाएगा एक्स्ट्रा, पहले से ऑफ रहता ही उसमें 10% और ऑफ हो जाएगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो ध्यान रखें, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।